या आपका SCF है या LCM है और या एक नंबर है, तो दूसरा नंबर पहले निकाल लिया जाए। तो मेथड क्या होता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मान लिया जाए X। देखे तो पूरा पूरा कटेगा, 6 का ही के गुना दिखता है, ज्यादा गुना है नहीं, इससे तो ही कटना चाहिए। बोलिए कितना बार, 5 बार। अरे 7 में कितना से गुना करिए तो लास्ट में 5 आएगा, और अब 5 से इसको कटाइए तो 16 गुना 5 बोलिए 80, 22 हो गया, 4 फिर 4, तो एक्स का मान हो गया कितना। अब हमको निकालना क्या है, सम ऑफ द नंबर्स आर, तो फर्स्ट नंबर कितना था 650 है, और सेकंड नंबर 1644। चलिए 4 5, तो आंसर हो गया इतना। चलिए थोड़ा देर पहले आप पढ़े कि SCF और LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया जाता है तब ना दूसरा निकलता है, लेकिन अभी इसमें क्या दिया है, ये दोनों दिया है, एक नंबर नहीं दिया है, इसी के आधार पर दोनों नंबर आपको निकाल लेना है। तो अब देखिए इसके बारे में पहले एक जानिए, को प्राइम नंबर, ये जानते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो दो ऐसा संख्या जिसका SCF कितना हो, 1 हो, तो वही दोनों नंबर को प्राइम कहलाता है। को प्राइम पेयर भी कहते हैं, चूंकि हमेशा ही जोड़ा में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, बोलिए इसमें को प्राइम कौन है, को प्राइम किसको कहते हैं जिसका SCF कितना हो, 1 हो। तो ये बोलिए इस 16 और 62 किसी से कटेगा, कितना से, 2 से, तो इसका SCF हो गया कितना, 2। तो ये को प्राइम है कि नहीं, नहीं है। ये दोनों किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसी का SCF कितना हो गया, 1 हो गया, यह को प्राइम है। ये बोलिए कितना से कटेगा, 23 से, तो इसका SCF हो गया कितना, 23। ये दोनों कटेगा 5 से, तो इसका SCF हो गया कितना, 5। तो को प्राइम कौन हो गया, 18 और 25। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ SCF LCM दे, सम दे, प्रोडक्ट दे, डिफरेंस दे, तो उसके लिए ये बात जानना जरूरी हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, अब आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको SCF ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका SCF कितना दिया गया है, 12। तो जितना भी संख्या मानना होगा तब 12 को शामिल करके, SCF को शामिल करके मानना है। तो पहला संख्या 12x हो गया, 12y हो गया, दो ही संख्या मानना था इसलिए दो संख्या ऐसे माना गया। अब क्वेश्चन में यह दिया हुआ है क्या चीज, LCM,
तो हम ये दोनों का एलसीएम निकाले तो 12xy, यानी क्वेश्चन में एलसीएम कितना है 72, तो एक्स वाई का मान कितना आ गया 6। तो एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 6। अब एक्स इंटू वाई 6 कितने तरह से हो सकता है, तो 1 से शुरू करना था, 1 6, ये दोनों का प्रोडक्ट 6 हो गया, फिर एक 2 3, कोई दूसरे तरह से अब संभव नहीं है। तो संख्या 12x और 12y माने थे, जिसमें xy का मान 1 और 6 निकला, तो यहाँ 1 से गुना करिए, यहाँ 6 से, तो एक आंसर आया 12 और कितना, और दोनों का सम निकालना था, तो जोगफल आ गया 84। एक और आएगा 2 3, तो फिर 2 3 से भी मल्टीप्लाई किए, तो एक आया 24 और 36, और दोनों का जोगफल कितना 60। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, एक 84 और एक कितना 60। यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी पेयर लेना है तो कैसा पेयर लेना है, को प्राइम लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, को प्राइम क्या होता है, यहाँ पर बताए कि दो ऐसी संख्याएं जिसका एलसीएम 1 हो, वह नंबर को प्राइम नंबर कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, चलिए एचसीएफ कितना है, तो संख्या मान लीजिए 29x और 29y, यह क्या दिया है, तो तुरंत इसका एलसीएम निकाला जाए। चलिए इसको कटाइए, चलिए 29 का 10 गुना बोलिए, 290, 20 गुना बोलिए, 100 गुना बोलिए, या छोड़िए कटाइए इससे, हमको तो याद है इतना बार कटता है। तो वही तो समझा रहे थे कि 100 गुना से ज्यादा है, हम तो दो ही दो चार चीज सोचते हैं, पहला 9 में कितना से गुना करिएगा तो लास्ट में 7 आएगा, 3 हो गया। अब इधर देखिए, थोड़ा सा इसको देखते हैं, अब जैसे 29 का 10 गुना किए कितना 290, चलिए 29 का 11 गुना बोलिए तो 9 1 3 इतना आ गया, 29 का 12 गुना किए तो 24 10 इतना समथिंग आएगा, 13 गुना किए 14 गुना, 15 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना गुना होगा 13 गुना। अब सब चीज़ में नियम नहीं लगाता है, कभी कभी भाग भी दिया जाता है, बेहतर है भाग दे दीजिएगा, हर जगह रूल काम नहीं करता है। अब इसका पेयर निकालिए, तो शुरू कहाँ से करना था, बोलिए एक और कितना 143, ये बोलिए 143 और कितना से कटेगा, कटेगा 1 3 4, तो ऐसा संख्या कितना से कटता है 11 से, तो 11 और कितना 13। चलिए यह को प्राइम है कि नहीं है, यह को प्राइम है कि नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा के तरह का, दो तरह का, तो आंसर आइए फर्स्ट, तो संख्या कितना कितना माना गया था, पहला में एक्स वाई का मान इतना इतना आया, चलिए आंसर सही कि गलत, आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि इफ बोथ नंबर्स आर कितना डिजिट, तो ये 3 अंक का है, इसलिए यह क्या हो गया गलत हो गया। चलिए दूसरा आंसर में गुना करेगा 11 और कितना से 13 से, तेरह का टेबल पढ़िए, 13 गुना 9 बोलिए 117, 26 और 11 37, ये बोलिए दोनों 3 अंक का है कि नहीं है, तो यही आपका क्वेश्चन के अनुसार यह सही हुआ,
कंडीशन नहीं देता तो दोनों सही, कंडीशन देने के कारण एगो गलत हो गया। अब आपको निकालना क्या चीज है, सम निकालना है, जोगफल निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए, 7, 9, 16, 8, 1, 9, 3, 3, 6। चलिए SCF आपको दिया गया है 33, केगो संख्या की बात हो रही है, तो एक 33 X हो गया और एक 33 Y हो गया। यह क्या दिया है, सम दिया है, तो इसका सम निकाल दीजिए, जो दिया जाए वो आप भी निकालिए। अब इससे X प्लस Y का मान निकाल लीजिए, दोनों में कॉमन बोलिए 33 से इसको कटाइए, तो बोलिए 33 का 10 गुना बोलिए, 20 गुना बोलिए, 20 गुना इससे ज्यादा कि कम, ज्यादा हो जाएगा तो 20 गुना से कम है ना। अब तीन में कितना से गुना करिएगा तो लास्ट में 8 आएगा, 6 से, इसका मतलब के गुना होगा 16 गुना, 10 गुना से 20 गुना के बीच में लास्ट में 6 आना चाहिए, तो के गुना होगा 16 गुना। और अब पेयर निकालते हैं, तो शुरू ओवन से करिए, ओवन और बोलिए एक और कितना, अरे जोड़ने पर 16 आना चाहिए, चलिए इसके अलावा कोई पेयर नहीं होगा, इसके अलावा लिखिएगा तो रिपीट कर जाएगा। अब इसमें कैसा पेयर लेना है, को प्राइम कैसा पेयर लिया जाता है, तो ये बोलिए 1, 15 को प्राइम है कि नहीं है, 2, 14 क्योंकि इसका SCF 2 होगा, या नहीं होगा, तो ये बोलिए कितने तरह का को प्राइम नंबर आया, तो इसका आंसर भी होगा के तरह का, 4 तरह का। तो वही बोला था कि ऐसा कितना पेयर संभव है, तो 4 तरह का पेयर संभव। SCF एंड सम ऑफ टू नंबर्स आर 27 एंड 216, तो SCF दे दिया जाए तो SCF को शामिल करके तुरंत संख्या मान लेना है। और यह क्या बताया गया है, तो फिर इसको जोड़ दीजिए, अब X प्लस Y का मान निकाल लेते हैं, 27 कॉमन होगा ना, तो ये बोलिए 10 गुना से कम है कि ज्यादा, कम है, तो 7 में कितना से गुना करिए तो लास्ट में 6 आएगा। अब एक्स वाई का पेयर निकाला जाए, तो शुरू बोलिए वन और कितना, 2 और 6, 3 और 5, 4 एंड 4। अब इसके बाद रिपीट करेगा, बोलिए पहला को रखना है कि नहीं, दूसरा को नहीं रखना है, तीसरा रहेगा, चौथा नहीं रहेगा, तो इसमें को प्राइम पेयर 2 तरह का आया, तो आंसर भी के तरह का आएगा, 2 तरह का। अब कुछ कंडीशन दिया है, तब यहाँ देखिए नंबर कितना डिजिट का होना चाहिए, यहाँ लिखा है 2 डिजिट का, तो आंसर फर्स्ट दोनों में 27 से गुना करिए, अति 27 से, तो 27 और 27 गुना 7 189, तो 189 2 डिजिट का है, ये गलत हो गया। दूसरा आंसर देखा जाए, दोनों में 27 से गुना करिए, 27 गुना 3 कितना, 81, और यह कितना, 135। चलिए 2 अंक का है दोनों, तो दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ नन ऑफ दिस। 2 अंक का 2 संख्या ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, मतलब
संभव ही नहीं है। एससीएफ एंड एससीएफ और दोनों का प्रोडक्ट दो नंबर का, और भी नंबर कितना डिजिट का होना चाहिए, टू डिजिट का। तो एससीएफ जब दे दिया गया है तो दो संख्या मान लिया जाए, और ये दोनों का गुणनफल दिया है, यहाँ पर गुना लिख देते हैं, बराबर बोलिए कितना लिखा जाए, 2028 है। चलिए तो अब कटाने का कोशिश किया जाए, 1/13 से कटाइए, बोलिए कितना बार, चलिए अब एक्स वाई का पेयर बोलिए, पहला पेयर कितना कितना, अब कोई पेयर नहीं होगा चूंकि रिपीट करने लगेगा, तो इसमें किसको नहीं रखना है, 2 और 6 को नहीं रखना है, इसलिए किसका एससीएफ 1 नहीं है, एससीएफ 2 है, यानी को प्राइम नहीं है। तो आइए, पेयर दो तरह का है तो आंसर भी दो तरह का निकलेगा, तो ये दोनों में कितना से गुना करें, 13 से, 13 ना, तो 13 13 × 12 156। बोलिए पहला सही कि गलत, गलत, इसलिए कि दो अंक का नहीं है, क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि टू डिजिट का होना चाहिए। दूसरा बोलिए, दोनों में 13 से गुना करिए, ये दोनों दो अंक का है, तो ये सही आंसर, यही दोनों नंबर सही है। ऑप्शन आपको देगा ना तो और जल्दी बना लीजिएगा, अभी तो थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें ऑप्शन में ये नहीं देगा, पूछ देता है कि दोनों संख्या का डिफरेंस बताइए, दोनों का सम बताइए, तो ऑप्शन से ट्राई करना संभव ही नहीं है, अभी दोनों का जोगफल दे देगा तो ऑप्शन से कैसे ट्राई करिएगा। अभी तो ये भी पूछ रहा है, एससीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे सीजीएल में, नंबर के अंकों का जोगफल पूछता है, तो ऑप्शन से कैसे ट्राई करिएगा, दिक्कत है, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, अब अंकों का जोगफल देगा तब कैसे। जैसे संख्या, तो संख्या है 39, अब कहेगा इसके अंकों का जोगफल बताइए, तो अंकों का जोगफल 3 और 9 कितना, 12, तो 12 ऑप्शन देगा तो कैसे ट्राई कर पाइएगा, तो ट्राई करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए दिक्कत ये है कि बनाना जानना ही जरूरी है, बनाने आना अब होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वैसा दे नहीं रहा है, ऑप्शन टेढ़ा मेढ़ा दे रहा है। चलिए, द एस सी एफ एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 12 और 12। चलिए इतना समझा गया, अब इसका क्या दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 12। अब x - y = बताइए, x - y कितना, 1। अब xy का पेयर बोलिए, पहला पेयर बोलिए, शुरू 1 से करते हैं, वो ऐसा दो नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस कितना आता हो, ये कहां तक जाएगा, तो बोलिए पेयर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो पेयर नहीं निकलेगा तो आंसर भी नहीं। आंसर निकालना संभव नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया जाए तो विचार किया जा सकता है। तो ये बोलिए, पहला ऑप्शन कितना है, 50 और कितना,
62, डिफरेंस 12 का है तो एचसीएफ भी कितना आना चाहिए, ये दोनों 12 से कट रहा है, गलती, ये दोनों 12 से कट रहा है, ये दोनों 12 से कट रहा है, ये दोनों 12 से कट रहा है, कट रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस 12 है और ये दोनों का डिफरेंस नहीं, तो ऑप्शन से बनाना संभव है, और ऑप्शन कौन होगा, सी। अब भाई मेथड बनाना संभव ही नहीं है,